एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए गाइस, एक बहुत ही बड़ा अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जिन्होंने भी एग्जाम देना है उनके लिए तो ये बड़ा ही कमाल का वीडियो होने वाला है। कमाल का नहीं बोलेंगे क्योंकि गुड न्यूज कहने लायक कुछ नहीं है, बैड न्यूज आप समझ सकते हो, क्योंकि आईएलटीएस के एग्जाम ने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार कोई ना कोई झटका देता रहता है आईएलटीएस का एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए गाइस, पिछले मंथ में हुए जो रिजल्ट आए हैं उनसे देख के पता चलता है कि रीडिंग और ज्यादा टाइट हो रही है। अब ये नहीं पता कि बच्चों को रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि रीडिंग का लेवल जो है, जब वो एग्जाम दे के आते हैं तब तो कहते हैं कि रीडिंग अच्छी थी, बट रिजल्ट बहुत ही डाउन आ रहा है। 5.5 मैक्सिमम बच्चों के रह जाते हैं रीडिंग में। और गाइस, साथ ही में राइटिंग की बात करें तो उसमें भी जो टेस्ट चेकिंग है इनकी काफ़ी टाइट हो रही है, स्कोर जो है वो काफ़ी टाइट आ रहे हैं बच्चों के। देखिए गाइस, ये काइंड ऑफ बैड न्यूज़ है। बट जो IDP है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता है कि किस तरह से वो उनका जो टेस्ट चेकिंग जो आप बोल सकते हो प्रोसेस है वो किस तरह से टाइट है, या फिर वो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि एकदम ऊपर ऊपर से मार्क्स देते हैं। बट देखिए गाइज, ये जरूर है कि बैंड स्कोर लो जरूर होने हैं, बट स्टूडेंट को भी चाहिए कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अब देखिए गाइज, कैनेडा के वीज़े जो है, अब काफ़ी सारे चांसेस हैं कि लग पा रहे, बट ये तभी पॉसिबल है अगर आप पास आउट है। 12 पास आउट है तो आपको 6 बैंड लेना रिक्वायर्ड है, और अगर आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर कुछ थोड़ा बहुत गैप है तो 6.5 ओवरऑल जरूर है। तो देखिए गाइज, ये आपके साथ ये बैंड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वीज़ा के लिए। अदरवाइज गाइज, आपको जितना हो सके अपने बैंड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, वो कोई बात नहीं कि गैप है या नहीं है, बट गाइज ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि राइटिंग और रीडिंग को आप स्ट्रांग बनाइए। इससे क्या आपकी स्पीकिंग भी स्ट्रांग होगी राइटिंग के साथ साथ, और लिसनिंग में तो कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। एक और बात गाइज, अगर आप रीडिंग में 6 तक अचीव कर रहे हो और आप ज़्यादा डिजायरेबल बैंड स्कोर लेना चाहते हो तो प्लीज़ लिसनिंग में ज़्यादा फोकस कीजिए। लिसनिंग में फोकस करने पे आपका बैंड स्कोर ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो गाइज, बैड न्यूज़ यही है कि उनका जो टेस्ट चेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी टाइट हो रहा है, और पिछले रिजल्ट से देखा जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चों के रीडिंग में स्कोर जो है लैक कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज़ गाइज, रीडिंग में जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के साथ सॉल्व आउट करने के लिए एक डिटेल्स वीडियो बनाती रहूंगी, और साथ ही में मुझे आप अपनी क्वेरीज जरूर से मेंशन कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट मे आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज गाइज, डू प्रिपेयर फॉर टफेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि आने वाले एग्जाम में टफ ही होने वाला है इसका लेवल। और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट हु हैव देयर एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।